ही नहीं है, न यह प्रेम प्रहलाद महाराज में है, न ध्रुव महाराज में है, न युधिष्ठिर महाराज में है, ऐसा प्रेम किसी में नहीं है। है सभी कृष्ण के प्रेमी हैं, लेकिन अपने तरह के हैं। गोपियों का प्रेम स्वसुख वासना से शून्य है, स्वप्न में भी अपने विषय में गोपी विचार नहीं करती हैं। निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। अपने विषय में कभी सोचती ही नहीं। कौन ऐसा है जो अपने विषय में नहीं सोचता है? हम लोग भी सोचते ही रहते हैं ना कि ये हो जाता है, ये हो जाता है, हे भगवान अपना प्रेम दो। प्रेम भी मांग रहा है तो अपने विषय में सोच रहा है ना, अपने मंगल की कामना कर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण को सुखी करने की भावना, श्री कृष्ण को सुख देने का विचार केवल गोपियों में देखा जाता है, अपने सुख का विचार नहीं। तो समस्त भक्तों में सिरमौर हैं। शरीरधारियों का अर्थ यह नहीं है कि समान सब शरीरधारी। भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कृष्ण का श्री गोपी जन है। ऐसे गोपियों के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ डायरेक्ट प्रणाम करने की उनकी बहुत उत्कंठा थी। चरण धूलि में लोट रहे थे, चरण में नहीं। इससे श्री गोपीजनों को लज्जा लग सकती थी कि एक भगवान के सखा, इतने बड़े विद्वान और आ करके हमारे चरण में लौट रहे हैं। इसीलिए चरण में न लौट करके चरण रेणु में लौट रहे हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणु मभिक्षणसा। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली स्त्रियों के चरण कमल के रज की मैं वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाया हुआ गीत कृष्ण के विषय में भुवन त्रयम पुनाति, तीनों जगत के जीवों को पवित्र कर रहा है। इस तरह से लौट रहे थे गोपियों के चरण रज में। तो कैसे श्री कृष्ण के पास वे चलती थी गोपियाँ, इसके विषय में गीत है राधा रानी के विषय में, उसको गा करके हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल मैं गाया था, वो कहाँ है था? हाँ, 204 नंबर है, 65 पृष्ठ पर। कल इसका अर्थ किया था, इसलिए अर्थ नहीं कर रहा हूँ, केवल गा रहा हूँ, साथ में गाएंगे। पृष्ठ 65 और पद 204। घटा घरती बीजू छटा छहराती आदि घटा घरती, रात हराती कोटि कीटरती रुंजलम, भूकताऊ लुक बना कुकत फिरत फेरु, भूकत जो भैरो भूत गावे अली गुंजल, झिली मुख मुरी तहाँ बिछी घन गुंदी बिष, झिली मुख ब्यालनी को रुंदी कै मृी नालनी के पुंजल, जाई वृष भान की कान्हाई के स्नेह बस, जाई वृष भान जाई वृष भान की कान्हाई के स्नेह बस, जाई वृष भान की उठी ऐसे में अकेली केली कुंज में, आई उठी
जाई वृषभन की कन्हाई के स्नेह बस जाई वृषभन की कन्हाई के स्नेह बस आई उठी ऐसे मैं अकेली केली कुंजला बहुत कुछ संभावना की जाती है कि श्री कृष्ण गोवर्धन में होंगे, गोवर्धन के तलहटी में किसी कुंज में, और बरसाने से अथवा जावट से श्री राधा रानी अकेले चल करके आई हैं, क्योंकि रास्ते में ये स्थिति है। सांपों को सांप फंस रहे थे चरण से, उनको कमल नाल की तरह चल रही हैं। इस पर विचार नहीं करते हैं कि सांप लपट रहे हैं, सांप है। जैसे कोई चलते हुए कमल के डंठल को रौंदे, वैसे सांपों को रौंदते हुए चल रहे। जाई माने जन्मी हुई बेटी, जाई वृषभन की कन्हाई के स्नेह बस जाई वृषभन आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला ये है मुकुंद पदवीं भेजू, मुकुंद के स्थान का भजन करना, मतलब जहाँ वे हैं वहाँ जाना। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।